नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। और आज देखिए कि किस सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी और उसी को लेकर के रमेश सर मैकेनिकल ट्रेनर है कुआ में, और हमारे साथ पटना के रिप्रेजेंटेटिव राजेश सर से हम बात करेंगे कि एडमिशन ओपन अर्न व्हाइल यू लर्न। आप एडमिशन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। स्टाइपेंड के तौर पर आप जब पढ़ाई करिएगा तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यह सारी प्रक्रिया हम जानेंगे। हमारे साथ दिल्ली से चल करके पटना में आए हैं और यहाँ बहुत ही बड़ा धमाल मचने जा रहा है, शिक्षा के ऊपर के जॉब के ऊपर क्रांति लाने जा रहे हैं। मैकेनिकल ट्रेनर सर से हम बात करेंगे। सर क्या है? जी सर, हमारे पास जो एडमिशन प्रोसेस है राइट नाउ, हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है जिसमें हमारा अप्रैल 30 लास्ट डेट है एडमिशन डेट, जिसमें हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट को एटलीस्ट 50% स्कोर करना रहता है। अगर 50% स्टूडेंट स्कोर करता है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल रहता है। ओके, थैंक यू। जी सर, बेसिकली अगर देखा जाए तो कृति सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी जो हमारी है, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट करता है प्रैक्टिकल पे, और मैक्सिमम फोकस होता है प्रैक्टिकल पे। आज के डेट में जो आप देखेंगे, जो भी इंडस्ट्रीज का नीड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड ही रहता है। जितने भी एमएनसी इंडस्ट्रीज है उनका जो डिमांड रहता है स्किल भी चाहिए। जैसे कहने का मतलब कि अगर बेसिकली स्टूडेंट को थ्योरी नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आउटपुट नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ के लिए हमारी संस्थाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को 70-80% प्रैक्टिकल पे फोकस करता है, एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश, इवन प्रैक्टिकल थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। इसमें जैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल का पार्ट्स हो गया, आज के डेट में देखेंगे CNC हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, जिसके द्वारा कंप्यूटर से हम कंट्रोल करके मशीन को संचालित करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैनुअली मशीन्स पे आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति खड़ा होके हार्डली काम कर सकता है 2-4 घंटे, जिसमें उसका फिजिकली मेंटली दोनों भी टायर्डनेस आता है। और वहीं अगर कंप्यूटर पे वो व्यक्ति काम करता है तो 24 आवर्स वर्क कर सकता है, फिजिकली भी टायर्डनेस नहीं होगा और मेंटली भी टायर्डनेस नहीं। चलिए सर, एडमिशन प्रक्रिया क्या है कि बिहार में अभी रिजल्ट आने वाला है CBSE का और बिहार बोर्ड का रिजल्ट आएगा, आप क्या है कि किस सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी में रिप्रेजेंटेटिव जो बिहार में किस सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी को जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझे कि पूरे बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राजेश सर से जानेंगे कि सर एडमिशन प्रोसेस बताया जाए, सर एडमिशन का क्या प्रक्रिया। जी सर, यहाँ पे जो है एडमिशन हम लोग वैसे बच्चों को लेते हैं जो अभी क्लास 10, 11, 12 पास आउट करके निकल गए या निकलने वाले हैं, प्लस उनका जो है अगर वो बच्चे क्लास 12 के हैं तो वो किसी भी साइड के हो सकते हैं, लाइक आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, प्योर साइंस, किसी साइड के बच्चा ये कोर्स कर सकता है। और इसमें जिस तरीके से हमारे सर ने बताया कि हम लोग पहले बच्चों का एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में बच्चों को मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, तब वो फिर आगे हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है। ओके सर, एडमिशन लेने का क्या प्रक्रिया है सर? जिस तरह हमने भी आपको बताया कि वो एंट्रेंस टेस्ट, उसमें अगर वो बच्चा क्वालिफाई किया, अगर क्वालिफाई कर जाता है तो क्या पैसा लगेगा सर? हमारे यहाँ कोर्स भी अभी जो 30 अप्रैल तक है जी, वो है मात्र 3,540 रुपया मंथली, प्रति माह 3,540 रुपया बस। और फर्स्ट टाइम एडमिशन के समय भी बच्चे को मात्र 3,540 रुपये दे के एडमिशन करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, चाहे बिहार का हो या कहीं का भी हो, आप लोग देखते होंगे कि वो पूरा 1 साल का 2 साल का पैसा आपसे एडवांस जमा करा लेता है, बट हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करते। बच्चों से मात्र 3,540 रुपये ले के एडमिशन लेते हैं, और फिर हर एक मंथ बच्चा जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बोर्ड में जिस तरीके से बच्चा को वो अपना पेमेंट कर सकता है। सर पटना का कोई एक ऐसा नंबर बताएं जिससे संपर्क किया जा सके एडमिशन को लेकर के? सर मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 6200917957, इस पर हमसे हमेशा संपर्क किया जा सकता है 24/7। थैंक यू सर। इसलिए जो हमारी संस्थाएं हैं दूसरे कॉलेजेस से क्यों डिफरेंट है,
इसमें जैसे आप देखेंगे बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आईटीआई कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेज जो होती है, ड्यूरेशन द कोर्स किसी भी प्रकार का स्टाइपेंड आपको अलाउड नहीं करता है स्टूडेंट जी। तो हमारी जो संस्था है फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स तो हमारे पास रहते हैं और सेकेंड ईयर से स्टूडेंट को इंटर्नशिप्स अलॉटेड होते हैं, जिसमें स्टूडेंट को एज ए स्टाइपेंड उनको डिपेंड ऑन द इंटरव्यू 12,000 से लेकर 20,000 तक इंडस्ट्रीज ऑफर करता है। और ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस प्रकार का क्वालिटी है, स्टूडेंट का अगर काफ़ी बेटर क्वालिटी है तो बेटर पैकेज मिलता है, बट उसमें भी अगर लोएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो 12,000 मिनिमम मिलता ही मिलता है। थैंक यू सर। सर से बता दें यह जो किकी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी है इसमें क्या प्रोसेस है? एडमिशन ओपन अर्न बाय यू लर्न और यह सारा 3 साल का कोर्स है जिसमें 10th और 12th पास स्टूडेंट के जॉब का बहुत ही बम्पर धमाका दिया जा रहा है किकी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। कोर्स ट्रेड में हम आपको बता दें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स अर्न बाय यू लर्न और एकोमेंडेशन अवेलेबल है, साथ ही साथ ड्यूअल सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट रिकॉर्ड। समझिए कि आपको अगर जॉब करना है इंडिया में या अब्रॉड में दोनों सुविधा अवेलेबल है, आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रॉल पे है। अगर आप चाहते हैं जॉब करना विदेश में जॉब करना तो आप संपर्क कीजिए किकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। खबरों के साथ बने रहिए कुमार सन भारत न्यूज 24।